महाराष्ट्र के पूर्व विधायक विनायक मेटे का सड़क हादसे में निधन। पुणे एक्सप्रेस वे पर हुआ हादसा। महाराष्ट्र के एक प्रमुख मराठा नेता विनायक मेटे का रविवार सुबह एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। 5 बार विधान परिषद के सदस्य रहे मेटे शिव संग्राम पक्ष के अध्यक्ष थे। वह मुंबई के समुद्र के अंदर बनने वाले शिव स्मारक समिति के भी अध्यक्ष थे। विनायक मेटे बीड जिले के राजे गांव के निवासी। जानकारी के मुताबिक हादसे में विनायक मेटे के सिर में चोट आई। उन्हें पास के MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। मेटे 3 बार विधायक रह चुके हैं। बैठक में हिस्सा लेने आ रहे थे मुंबई। रविवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा मराठा आरक्षण के संदर्भ में बुलाई गई एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के लिए वह रात में ही बीड से मुंबई के लिए रवाना हुए थे। सुबह 5:30 बजे मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर उनकी कार को एक ट्रक ने ओवरटेक किया, जिसके कारण कार चालक संतुलन खो बैठा और यह दुर्घटना हो गई। दुर्घटना में कार चालक एवं उनके एक सहयोगी एकनाथ कदम भी घायल हुए। कदम के अनुसार दुर्घटना के बाद करीब 1 घंटे तक विनायक मेटे को कोई मदद नहीं मिल सकी थी। काफी देर तक सभी घायल सड़क पर ही लेटे थे, आने जाने वाले वाहनों को हाथ देते रहे, लेकिन कोई नहीं रुका। करीब 1 घंटे बाद एम्बुलेंस आ सकी, तब विनायक मेटे को करीब 80 किलोमीटर दूर नई मुंबई के MGM अस्पताल तक लाया जा सका, लेकिन तब तक उनका निधन हो चुका था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट पर शेयर करें, और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ABD News 24x7 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।